तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि वन प्लस फ्लैगशिप रेंज में चाहे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इस ब्रांड की एक्चुअली में हाइप आजकल मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में चल रही है, क्योंकि काफ़ी फ्रिक्वेंटली एग्रेसिव प्राइस में फ़ोन्स लॉन्च किए जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले वन प्लस नॉट सी टू लॉन्च हुआ था, तभी से वन प्लस नॉट सी टू लाइट के बारे में निकल के आना शुरू हो चुका था। कुछ थोड़ा बहुत स्पेक्स वगैरह बाहर आ रहे थे, बट एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो वन प्लस नॉट सी टू लाइट काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन साइट पर आ चुका है, फ़ोन के लुक्स वगैरह काफ़ी कुछ बाहर निकल के आ गया है। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसा ये स्मार्टफोन रहने वाला है, क्या क्या फीचर्स होंगे, किस तरह का दिखने वाला है, क्या प्राइस रेंज में लॉन्च होगा और हमें इंडिया में कब तक देखने को मिल सकता है, सबके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि वन प्लस नॉट सी टू लाइट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS सर्टिफिकेशन साइट पर अपेयर हो चुका है। तो जो लोग काफ़ी पहले से इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं या फिर आप में से आई बिलीव काफ़ी लोगों को ये पता भी होगा कि जब भी कोई स्मार्टफोन BIS सर्टिफिकेशन साइट पर अपेयर होता है तो उसके बस कुछ ही दिन बाद, हफ्ते दो हफ्ते मैक्स में, वो फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो जाता है। तो इसी वजह से कन्फर्म किया जा सकता है कि ये स्मार्टफोन या तो अप्रैल की एंडिंग में या फिर अप्रैल का जो लास्ट वीक रहेगा उसमें हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा काफ़ी पहले से मतलब ये हिंट्स लग रहे हैं कि फ़ोन के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट देने वाले हैं, मतलब कि ये चिपसेट बेसिकली मिलने वाला है। लेकिन अभी मैं इसको काफ़ी कन्फर्म तरीके से बोल सकती हूँ क्योंकि गीगबेंच स्कोर्स फ़ोन के आउट हो चुके हैं, जहाँ से कन्फर्म ये हो रहा है कि हाँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 ही चिपसेट रहेगा। 6GB रैम और 128GB का स्टोरेज होगा, लेकिन कभी भी वन प्लस एक रैम स्टोरेज वेरिएंट के साथ फ़ोन नहीं लॉन्च करता है। एक और वेरिएंट हमें हायर वेरिएंट शायद 8 128GB स्टोरेज के साथ देखने को मिले। एंड हाँ, गीगबेंच स्कोर से एक और चीज़ पता लगी है कि फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड 11 ही होने वाला है, एंड्रॉयड 12 के साथ ये फ़ोन नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, कंसिडरिंग वन प्लस नॉट सी ई टू भी एंड्रॉयड 11 के साथ ही लॉन्च हुआ था और ये तो लोअर वेरिएंट है उसका, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। बाकी इसके अलावा तो फ़ोन किस तरह का दिखने वाला है ये तक भी यहाँ पर निकल के आ गया है। इनफैक्ट सही बताऊँ तो काफ़ी दिन पहले ना 91 मोबाइल्स ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट शेयर करी थी जहाँ पर फ़ोन का फ्रंट प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल, अप डाउन, साइड्स कैसे दिखने वाले हैं सब कुछ यहाँ पर निकल के आ गया था। बट अभी थोड़ा क्लियरली इसके रेंडर्स निकल के आए हैं, तो पीछे से आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली में रियलमी 9 प्रो का जैसा कैमरा मॉड्यूल था ना, यहाँ पर भी वैसा ही कैमरा मॉड्यूल है। कैमराज की प्लेसमेंट वगैरह बिल्कुल सिमिलर रखी गई है। एंड मानो या ना मानो, अभी आपने वन प्लस नॉट सी टू देखा होगा, रियलमी 9 प्रो सीरीज, ओप्पो रेनो 7, मतलब ये वो फ़ोन है जो मैंने पर्सनली यूज़ करे और सबके कैमरा मॉड्यूल्स ना बिल्कुल एक जैसे है। जाहिर सी बात है सिमिलर होना भी, क्योंकि इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। तो आई बिलीव ये 2022 में कैमरा मॉड्यूल बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के जो फ़ोन्स हैं सब ब्रांड्स के, वो शायद इसी तरह के रहने वाले हैं। तो ये थोड़ा स्ट्रेंज है, डिज़ाइन में थोड़ा चेंज होना चाहिए, आई मीन सारे अलग अलग ब्रांड्स हैं तो, बट क्या ही कर सकते हैं। बट इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप देख सकते हो कि 3.5mm का जैक मिलेगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है, अलर्ट स्लाइडर नहीं होगा जो कि मतलब इस नॉट सी सीरीज़ में वो होता भी नहीं है, तो ये तो एक्सपेक्टेड है ही। सिम ट्रे कैसी रहने वाली है देखने वाली बात होगी, ऑल दो नॉट सी टू में हमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिला था, तो आई बिलीव वो रहना चाहिए यहाँ पर। बाकी यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल में जो कैमराज है इसके स्पेक्स भी निकल के आ गए, बताया जा रहा है 64 मेगापिक्सल प्राइमरी, 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो होगा, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा। अभी इसमें कंसर्न वाला पॉइंट ये है कि अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाला है, जो कि काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि आजकल मैं वैसे भी देख रही हूँ कि इस प्राइस रेंज में मतलब 15,000 से 20,000 में जो फ़ोन्स लॉन्च हो रहे हैं, काफ़ी फ़ोन्स में अल्ट्रा वाइड लेंस को रिमूव कर दिया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए मैटर करता है। बताना कॉमेंट सेक्शन में कि आपको भी इस चीज़ से इशू है तो। लेकिन मतलब मुझे याद है कि एक टाइम पर ना हम रिव्यूअर्स जब भी फ़ोन रिव्यू करते थे तो कई बार इस चीज़ को बोलते हुए देखा होगा आपने कि 3 कैमरा 4 कैमरा देने का क्या पॉइंट है जब इंपॉर्टेंट 2 ही सेंसर्स होते हैं, 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ मैक्रो उड़ा ही दो। बट कंपनी ने 2-2 मेगापिक्सल का डेप्थ मैक्रो अभी भी चिपका रखा है और अल्ट्रा वाइड लेंस को रिमूव करने लग गए, जो कि काफ़ी मतलब शॉक करने वाली चीज़ है और ये मतलब एक इशू रहने वाला है आई गेस। बट एनीवेज, यहाँ पर अगर आप फोन का फ्रंट प्रोफाइल भी देखोगे
देखोगे तो साइड में पंच होल है एज यूजुअल वन प्लस नॉर्ड सी सीरीज में, मैंने इसी तरह का पंच होल अभी तक देखा है। लेकिन यह ये जो पैनल है ना वो 6.58 इंचेस का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी पैनल है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ जो हमें देखने को मिलेगा। मैं इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा क्यूरियस ज़्यादा हूँ और थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने वन प्लस के स्मार्टफोन्स में एमोलेड पैनल और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ही यूज़ किया है। तो देखते हैं वन प्लस किस तरह से इसकी डिस्प्ले को रखता है, कलर्स वगैरह किस तरह से ट्यून करता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोंट वरी, फ़ोन परचेज करके रिव्यू करेंगे तो सब कुछ आप लोगों को पता लग ही जाएगा। और जो मैं प्राइस रेंज वाली बात कर रही हूँ वो है कि ये जो स्मार्टफोन है इसका प्राइस मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से 17-18-19 हज़ार के आसपास रहने वाला है। 20,000 के ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 20,000 के नीचे की प्राइस में ही रहेगा, कंसिडरिंग वन प्लस जिस तरह से एग्रेसिव प्राइस में फ़ोन लॉन्च कर रहा है और जो इसके स्पेक्स वगैरह हैं उन सबको देखते हुए। बट जो भी हो यार, एक चीज़ तो अच्छी है कि बॉक्स के अंदर चार्जर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि FCC सर्टिफिकेशन साइट पर 33 वॉट का चार्जर होने वाला है फ़ोन के अंदर, ये निकल के आ चुका है। बैटरी भी यहाँ पर पता लग चुकी है कि 5000 mAh तक की बैटरी रहने वाली है, तो बैटरी डिपार्टमेंट मतलब सही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 17-18 हज़ार की प्राइस में मेरे अकॉर्डिंग ये सही स्मार्टफोन रहने वाला है, नथिंग न्यू बट नथिंग बैड, क्योंकि इस प्राइस रेंज में यही सब कुछ मिलता है। बट दो चीज़ आपको एक्सक्लूसिव मिल जाएगी, पहला 20,000 के नीचे की प्राइस में वन प्लस की ब्रांडिंग का स्मार्टफोन मिल जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन OS एक्सपीरियंस करने का आपको मौका मिल जाएगा इस प्राइस रेंज के अंदर, जो कि थोड़ा सा एक्सक्लूसिव है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ इतना एक्सक्लूसिव नहीं रहेगी बिकॉज मोटोरोला ऑलरेडी मार्केट में है जो स्टॉक एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन बनाता है कम प्राइस के अंदर। और भी कंपनीज है जो UI पर आजकल काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है under 20,000 की प्राइस रेंज में भी। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब वन प्लस 20,000 की प्राइस में आके काम तो अच्छा कर रहा है, ऑक्सीजन OS वगैरह अच्छी चीज़ें मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो कुछ नया करने की, कुछ एक्सक्लूसिव करने की डेफिनेटली ज़रूरत है, तभी ब्रांड लॉन्ग टर्म में अच्छे से सस्टेन कर पाएगा इस प्राइस रेंज में। अदरवाइज रियलमी Xiaomi ही चलने वाले हैं। बाकी देखते हैं कैसा फ़ोन आएगा, जब आएगा तब आप लोगों को भी पता लग जाएगा क्योंकि चैनल पर कवर किया जाएगा। वन प्लस नॉट सी टू का मैं डिटेल में रिव्यू कर चुकी, इनकेस अगर आपको देखना है तो। बाकी तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।